हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू संजीवा ब्लॉग। आई लोग सब बढ़िया है और मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक है। सो गाइस, आप लोग को स्वागत है आज के मेरे एक नए ब्लॉग में। आई होप आज के मेरे ब्लॉग आप लोग को पसंद आएगा। सो चलिए गाइस, आज के ब्लॉग का हम करते हैं स्टार्ट। और मैं अभी बना रही हूँ, वैसे तो गुड मॉर्निंग कब का हो चुका है, हम लोग ने नाश्ता वास्ता सब कुछ खा लिया है। अभी मैं बना रही हूँ लंच के लिए प्रिपेयर, और यहाँ पे मैं प्याज भून रही हूँ। यहाँ पे चना बॉईल किया है वो मैं बनाऊंगी अभी, तो तड़का लगा रही हूँ। यहाँ पे साथ में मैंने ये क्या बोलते हैं टमाटर को ग्राइंड करके रख दिया है। यहाँ पे आज मैंने यहाँ पे किया है, इससे कितना आसान है, इजी है, तो फटाफट से करो, बस हो गया। और यहाँ पे अदरक लहसुन पेस्ट मैंने करके रखा है अपना से। उस दिन मेरे पास वो दीदी आई थी जो मैं पहले जहाँ मैं रहते थे फ्राइम सिटी में, वहाँ का एक दीदी मेरा साथ जान पहचान है और वो बहुत प्यार करते हैं मुझे। मेरे पास कब से आना चाहते थे, तो उस दिन आया और वो बहुत दिन का बाद आए थे। मैं आसाम जाने से पहले एक बार आए थे, उसके बाद आया नहीं था। तो उस दिन आया तो इतना सारा फ्रूट्स लेके आए पूरा मिक्स करके। देखिए मेरे पास ऑलरेडी इतना फ्रूट्स पड़ा हुआ था, उसने पूरा अलग फ्रूट्स लेके आए, एप्पल और ये अमरूद क्या क्या लेके आए, और ये वाटरमेलन भी लेके आए, और ये ग्रेप्स भी लेके आए, जो कि मैं इतना ज़्यादा मैं कौन सा खाऊँ, इतना अभी ज़्यादा मतलब अकेले कौन सा फ्रूट्स खाऊँ मुझे समझ ही नहीं आ रहा है। तो एक एक थोड़ा थोड़ा खाना पड़ रहा है, लेकिन वो दीदी ने इतना सारा सामान लेके आए। तो अभी तो मैंने सुबह सुबह एप्पल और अनार खा लिया था और नारियल पानी पी लिया था। सो ये मैंने ग्रेप्स को अच्छा से धो के रखा है विनेगर पानी से, मैंने उसको थोड़ा सा भिगो के रखा, आधा घंटा जितना भिगो के रख दिया था, तो उसको धो के रखा। अभी जब वो सूख जाएगा थोड़ा पानी, तो उसको मैं डिब्बा में डाल के रख दूंगी। वैसे अभी टाइम तो बहुत है, लेकिन फिर भी मैंने जल्दी बना के रख दिया लंच, क्योंकि अभी मैं बना के रखेगा तो मैं आराम से बैठ सकती हूँ, कि मतलब बाद में खाने का टाइम जल्दीबाजी नहीं होगा, तो आराम आराम से कर सकती हूँ, इसलिए मैंने बना के रख दिया। क्योंकि और अभी तो गर्मी भी हो गया ना बहुत, तो ज़्यादा देर तक किचन में खड़ा नहीं हो सकता है, तो फटाफट से पकाओ और रख दो, जाओ आपको खाने का दिल होगा उस टाइम, जो खाने का टाइम होगा उस टाइम गर्म करके फिर खा दो बस। तो इसलिए मैंने आज जल्दी पकाया, वैसे अभी 12 भी नहीं बजाए और हम लोग तो लेट खाता है लंच भी डिनर भी, तो अभी पका के रख देगा तो टेंशन फ्री हो जाएगा, इसलिए पका दिया। और बाकी जो काम है वो तो जो मैं नहीं कर सकते वो तो पंकज ने कर दिया है, तो मेरे लिए आसान हो गया। बस अभी मुझे लंच बना के नहा के फ्रेश हो जाना है बस। हमने उस टाइम लंच बनाने के बाद नहा लिया था और नहा के खाना साना हमारे खा लिया है, आज हमारा लंच हो चुका है। और मैंने बीच में बहुत देर तक मैंने कोरियन ड्रामा देख रही थी, कुछ काम नहीं किया था, तो फिर मैंने देख लिया, ख़त्म भी हो गया, क्योंकि आज मेरा लास्ट एपिसोड था, 10 एपिसोड तक था वो ड्रामा, तो मैंने आज कम्प्लीट कर लिया उसको। तो अभी मुझे थोड़ा कपड़ा धोने के लिए रखना है, तो मैं कपड़ा धोना है, और कुछ कपड़ा सुखाया था कल का वो भी मुझे फॉल करना है। अभी कुछ कुछ काम बाकी है बस, वो अभी मैं करूँगी, क्योंकि आधा ऑलमोस्ट टाइम तो मेरा कोरियन ड्रामा देखने में चला गया। सो अभी मुझे मन कर रहा है खाने का, ये जो मैंने आपको दिखाया था वो दीदी ने जो मुझे उस दिन मेरे लिए जो ला के दिया था, ये वाटरमेलन। सो मैं अभी इसको खाऊँगी, लेकिन इससे पहले मुझे कुछ कपड़ा रखे हुए हैं धोने के लिए वॉशिंग मशीन में, तो वो मैं पहले धो देती हूँ, और कुछ कपड़ा उठाया है कल का जो धोया हुआ, तो वो फोल्ड करती हूँ, उसके बाद मैं ये खाऊंगी। तो मेरे पास ये कपड़ा बच पड़ा हुआ है धोने के लिए, सो मैं इसको धोने के लिए रख देती हूँ, तब तक ये धो के निकलेगा। मैंने कपड़ा तो वॉशिंग मशीन में डाल के आ गई है धोने के लिए, उसको रख दिया है। तो अभी मेरे पास थोड़ा सा कपड़ा रखा है, कल धो के सुखाया था तो वो सूख गया है, तो मैं अभी इसको फोल्ड करके रख देती हूँ, क्योंकि अभी डेली ब्लॉग में क्या ही दिखाऊं, यही सब है आपको डेली ब्लॉग में यही सब देखने को मिलेगा, क्योंकि अभी बाहर तो मैं जाती नहीं हूँ, बाहर जाने के लिए फिर अकेले किधर जाऊँ, कहाँ पे जाऊँ, तो जो घर में जो मैं करती हूँ बस वही मैं आप लोगों को दिखाती हूँ, आप लोगों को फिर वही देखना पड़ेगा फिर बस और कुछ है ही नहीं कंटेंट, बस यही है मेरा सारा कंटेंट।
सो हो गया है कपड़ा फॉल, मैंने पूरा मिला दिया है कपड़ा और मैं अभी खाऊंगी वाटरमेलन क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा हो गई है तो मुझे अभी खाना है वाटरमेलन। तो चलो काटने चलते हैं, फिर खाते हैं। तो मैंने कपड़ा मिला लिया है, सारे ख़त्म हो गया है तो अभी मैं ये खाऊंगी, इसको खाते हैं। और मैं पूरा तो नहीं खा पाएगा, आधा इसको काट के आधा रख दूंगी और आधा मैं अभी खा लूंगी। बस मीठा होना चाहिए। देखने में तो लग रहा है मीठा, देखिए कितना रेड कलर है, कितना अच्छा लग रहा है। सो ये रख देती हूँ और ये खाती हूँ। कितना आसानी से मैंने काट दिया, देखो कितना मज़ा से निकल गया ये। सो ये नया स्टाइल है वाटरमेलन काटने का। बस अब इसको इस तरह से ऐसा घुमा दो। इसको खाते हैं। मैं अभी आप लोगों को डायरेक्ट मिल रही हूँ रात का डिनर का वक्त में। मैं डिनर बना रही हूँ अभी, तो ऑलमोस्ट मेरा हो चुका है अभी। और मैं यहाँ पे फ्राई कर रही हूँ आलू फ्राई अभी खाने के लिए। पंकज आ गया है तो बेल बजाना है, सो मैं दरवाज़ा खोल लेती हूँ पहले। ये आलू फ्राई भी हो चुका है, यहाँ पे मैंने खीरा भी काट लिया है। सो हो गया, मैं सिर्फ मेरे लिए पंकज तो नहीं खाता है, ये हम दोनों खाएंगे। तो और जो सब्ज़ी है वो दिन का ही है बहुत ज़्यादा, तो यहाँ पर देख सकते हैं क्योंकि हम लोग ने लंच में खाया ही नहीं, मैंने भी नहीं खाया, मतलब ये सब्ज़ी नहीं खाया, दूसरा सब्ज़ी खाया तो इसलिए पूरा बच गया। तो अभी हम लोग खाते हैं आज का डिनर। राज, डिनर रेडी, निकालें अभी? ठीक है चलो, निकाल दिया है। सो गाइस, हमने आज का हमारा डिनर, हम लोग खाना साना खा ली, डिनर हो गया है और अभी हम लोग ने बर्तन सर्तन भी धो लिया, सारा काम खत्म हो गया है ना राज? ये तो अनिका चाचा थक गया बेचारा, तो खाना खा के रेस्ट कर रहे। खाना कैसा लगा आपको? सब्जी अच्छा, एकदम सिंपल सिंपल ठीक है, कोई मीट वीट नहीं है। चिकन विकन थोड़ा बंद करना, गर्मी हो रही है। हाँ बहुत ज़्यादा गर्मी हो रहा है आजकल बेंगलोर ना, मैं तो कितना हर वीडियो में बोल रहा है कि बेंगलोर बहुत ज़्यादा गर्मी हो गया, गर्मी हो गई। सो अभी हम लोग थोड़ा बैठेंगे, मूवी शूवी देखते हैं। यहाँ पे हम लोग ने लगा के रखा है मूवी, आप देख सकते हैं कौन सा मूवी का नाम, चमकीला। सो ये मूवी देख रहे हैं हम लोग। तो अभी जस्ट अभी स्टार्ट ही हुआ है, हम लोग खाना खाते खाते देख रहे थे, लेकिन खाना खाना हो गया तो हम लोग ने जाके सबसे पहले बर्तन सर्तन धो के आ गए। अभी हम लोग बैठेंगे और आराम से लाइट साइड ऑफ करके मूवी देखेंगे। तो अभी इससे पहले मैं अपना वीडियो को एंड करती हूँ। आई होप आज की मेरी वीडियो को आप लोग को अच्छा लगा। अगर आपको मेरे वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ आप लोग मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। फिर आप लोग को मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर। राज आप भी बोलिए बाय बाय, गुड नाइट। थक गया बेचारा, ये थक गया है बहुत, तो इसको डिस्टर्ब नहीं करते, इसको रेस्ट करने देते हैं। फिर मिलते हैं आपको नेक्स्ट व्लॉग में।